नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अपराधियों में पुलिस का अब जरा भी खौफ नहीं है, जिसकी एक बांगी शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र में देखने को मिली, जहां वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोकने पर चालक ने तेज रफ्तार से वाहन निकाल पुलिस कर्मियों के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। साथ ही रास्ते में आ रहे लोगों पर भी वाहन चढ़ाने का प्रयास किया। ये पूरा वाकया वहां मौजूद जागरूक व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, साथ ही घटनास्थल पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पुलिस अब पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। गोहपारू थाना क्षेत्र के फॉरेस्ट बैरियर के समीप देर शाम गोहपारू पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान शहडोल से रीवा की ओर जा रही एक संदिग्ध आर्टिका कार ने पुलिस के वाहन चेकिंग को देख अपनी रफ्तार बढ़ा ली। चेकिंग के लिए वाहन रोक रहे पुलिसकर्मियों पर तेज रफ्तार वाहन चढ़ाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए सड़क किनारे कूद गए, तभी मौका देख आर्टिका वाहन वहां से भाग निकली। इतना ही नहीं, सड़क पर चल रहे अन्य राहगीरों को भी कुचलने का प्रयास किया। उसकी इस हरकत को देख पुलिस ये कयास लगा रही है कि इस संदिग्ध वाहन में कुछ गांजा जैसे अन्य मादक पदार्थ परिवहन किया जा रहा था, जो पुलिस को देखकर उनके ऊपर वाहन चढ़ाकर पुलिस के चंगुल से भागने का प्रयास किया। इस घटना को वहां मौजूद एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, साथ ही घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी ये घटना कैद हो गई। देखते ही देखते इस घटना में आर्टिका वाहन गायब हो गई। काफी प्रयास के बाद भी पुलिस उक्त वाहन को ढूंढ नहीं सकी। घटना के बाद पुलिस इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि ये आर्टिका गाड़ी किसकी और कहां की है। मैं बैरियर में चाय पी रहा था होटल पे, तो पुलिस वाले लगाए थे वाहन चेकिंग। मैं वहीं से देख रहा था, एक गाड़ी आई बहुत स्पीड से, आई इतनी तेज से मोड़ दिया वो, एकाएक जो देखा पुलिस वालों को, तो इतनी तेजी से मोड़ा कि जाके वो खंभे में लड़ी, फिर बैक करके इतनी तेजी से भगा है वो कि अगर कोई सामने आया होता तो वो बचाने के काबिल नहीं था, वो बचा ना पाता। आप भी इसकी चपेट में आ गए? मैं भी आया था चपेट में। मैं बहुत देर तक तो कप रहा था बैठ के, इसके बाद फिर निकला हूँ। हाँ, प्रयास किया, बहुत तेज प्रयास किया चढ़ाने का, वो तो पूरी तरह अपने वो जो बचाने की उसमें नहीं रहा, वो तो जो सामने आता वो चढ़ा देता हूँ। वो संदिग्ध तो कुछ सामान रहा होगा। हमारे थाना में डेली शाम को रूटीन वाहन चेकिंग होती है। जो रूटीन वाहन चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि कोई किसी गाड़ी में जो संदिग्ध अवस्था में वहाँ शेड्यूल से आ रही है, जो हम लोग वाहन चेकिंग कर रहे थे, तो और मुस्तैदी से उसकी वाहन चेकिंग करने लगे। जो शाम को 8 बजे के आसपास एक गाड़ी अर्टिका गाड़ी मिली, जो वाहन चेकिंग के 50 मीटर पहले ही रुक गई थी, जिसपे हमें शक हुआ तो हम उसके नज़दीक जाने लगे। जब जैसे जैसे हम नज़दीक जाने लगे तो गाड़ी भी धीरे धीरे पीछे होने लगी। फिर हम दौड़ के उसके पास पहुँचे तो गाड़ी स्पीड से बैक कर रही, तो मेरा आरक्षक और मेरे एसआई और मेरे हेड कांस्टेबल नागेंद्र सिंह और एसआई नागेंद्र सिंह सब उस पर लटके, तो वो गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करते हुए वहाँ से हट गई और उसका पीछा किए। पीछा करने के बाद कंट्रोल को भी जानकारी दिए, फिर वहाँ से वो गाड़ी चली गई। गाड़ी का नंबर